हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 7 इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इसमें आपको पूर्णांक मिलेगा 20 नंबर का। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, वाट इज बींग कम्पेयर टू ए ग्रे ओवर कोट। तो पहले का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे आप नोट करिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ, द किंग बिलीव्ड दैट द आंसर टू द थ्री क्वेश्चन विल इनेबल। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट करिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ही फर्स्ट रिसीव्ड बिकॉज। तीसरे का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे आप नोट करिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डिड द किंग गो टू द हर्मिट इन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। तो चौथे का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट करिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, द किंग डग द बेड्स। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, द किंग ड्रेस्ड द बोन्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर छठे का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां दिया हुआ, द बियर्डेड मैन फेल्ट द किंग हैड डन हिम रॉन्ग बिकॉज। क्वेश्चन नंबर सातवें का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां दिया हुआ, बियर्डेड द हर्मिट लिव्ड। तो क्वेश्चन नंबर आठवें का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नौवां दिया हुआ, राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ रिवॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर नौवें का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर दसवां दिया हुआ है, व्हाट डिड द स्क्वायरल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री। तो क्वेश्चन नंबर दसवें का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारह दिया हुआ है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ बोर। तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर बारह दिया हुआ, द स्क्वायरल वाज सिटिंग ऑन ए ट्री। क्वेश्चन नंबर 12 में 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की, आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, व्हाट इज द कलर ऑफ इट्स ओवर कोट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, ही सेट अप डेड डेस्क टू ईट ए नट। क्वेश्चन नंबर 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, वेन द स्क्वायरल रेजेस द टेल। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, द स्क्वायरल्स हॉबी इज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ, ए स्क्वायरल लाइक्स टू डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द हर्मिट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डिफरेंट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।